हैं ना, इनके लिए अपने को सतर्क होना और सजग होना बहुत जरूरी हो गया। खुर्शीद साहब तक अगर मेरी आवाज़ पहुंचे तो उनको कहना कि हिंदू और हिंदुत्व में अंतर करने के बजाय आप वसीम रिजवी और तारिक फतेह को सुन लेते तो आपको इस्लाम का पता लग जाता कि आप किसको मान रहे हो, ठीक है। और जो कांग्रेस के मूर्धन्य और धन्य और कांग्रेस के बीज हैं उन तक केवल एक शब्द ये रामायण की अर्दाली पहुंचा रहा हूँ, यदि वो पहुंच गए तो हो सकता है उनका कहीं रास्ता खुल जावे कि शंकर सहस विष्णु अज तोई सकई न राखी राम कर द्रोही। यदि राम का द्रोह करोगे तो कहीं के भी नहीं रहोगे, इसलिए अब भी समय है। ये जितने भी कांग्रेसी है सोच लो, शंकर सहस विष्णु अज तोई सकई न राखी राम कर द्रोही, राम का द्रोह करके देख ले कहीं का भी नहीं रहोगे। इसलिए सलमान खुर्शीद साहब, आप वसीम रिजवी जी को और तारिक फतेह को सुनो तो आपको इस्लाम के बारे में जानकारी हो जाएगी। हिंदू और हिंदुत्व तो सनातन धर्म न मिटा न मिटेगा और चलता है और चलता ही रहेगा। जय जय सियाराम।